जी स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 4-5 के बाद जो है क्वेश्चन नंबर 7 करना है, ठीक है। स्मार्ट सिलेबस में क्वेश्चन 1 के दो पार्ट थे, क्वेश्चन 4 था, क्वेश्चन 5 था, और अब 4 करवा दिया है, 5 करना है और 7 का जो है ना वो करने लगे हैं। बुक से अगर आप लोग रीड करो, क्वेश्चन को लिखा हुआ है, इफ़ 10 इज़ एडेड इन ईच नंबर ऑफ द रेशो। उसने कहा आपको एक रेशो दी है 4:13, उसमें 10 नंबर ऐड करना है। 10 इज़ एडेड इन ईच नंबर, यानी 10 ऐड करना है हर नंबर की रेशो में, ठीक है। ये उसने ये एक रेशो दी है, इन इन अभी नंबर इनको बनाया जाएगा पहले। मतलब अगर एक रेशो 4 है, यानी जो नंबर आपके पास आएगा उस नंबर का 4 गुना, और जो नंबर है उसी नंबर का 13 गुना ये रेशो होगी। अब वो इस रेशो में वो नंबर देंगे जिसका जिक्र कर रहे हैं, ठीक है। जब भी क्वेश्चन में नंबर का जिक्र होता है तो हम नंबर लास्ट में लिखते हैं, तो अब हमने वो रेशो बनानी है, इसमें भी वो नंबर लिखना है। यानी अगर एक नंबर x है तो उसका 4 गुना 4x होगा। इसी तरह अगर एक नंबर x है तो उसका 13x होगा। तो इसके लिए मैंने एक स्टेटमेंट आके यहाँ लिखी है, अगर आप लोग ये राइट करेंगे अपने बुक पे, नोटबुक पे, सॉरी, जब क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ये उन्होंने को लिखा था, द रेशो ऑफ टू नंबर्स आर दिस, के दो नंबर्स की रेशो ये है। सो ईच नंबर इज, सो ईच इज मल्टीप्लाई, ये ईच नंबर यानी मल्टीप्लाई लिखा है विद x, यानी हर नंबर की जो रेशो थी वो ये थी, उसमें वो नंबर x था। तो हमने कहा देन द नंबर्स 4x एंड 13x। क्या वो नंबर क्या था असल में, वो 4 टाइम्स ऑफ x था और 13 टाइम्स ऑफ x था, और जब उनकी रेशोज बनी तो वो बन गई 4x/13x, ठीक है। असल में ये रेशो थी, वो थोड़ी उन्होंने घुमा फिरा के आपको रेशो बना के दी थी, रेशो हो गई। अब रेशो के बाद उन्होंने एक और बात बताई थी कि 10 इज एडेड, यानी उसने कहा कि दोनों तरफ क्या करें, दोनों रेशोस में, इस रेशो में 10 ऐड कर दिया दरमियान में रेशो, और इस साइड पे भी 10 ऐड कर दी। उसने कहा अगर 10 ऐड कर दें तो एक नई रेशो बनेगी, अगर तो उससे एक नई रेशो बनती, वो रेशो क्या है, 1:2। अब उसने कहा सॉल्व द व्हाट आर द नंबर्स, ये वही क्वेश्चन जो भी मैं रेशो वाला करवा के, आपकी मर्जी है, आप इसको जिस तरह मैंने अभी लास्ट में करवाया था वो कर लें, या आपकी चॉइस है आप इसको ऐसे भी कर सकते हो जो मैं करवाने लगी। प्रोडक्ट ऑफ मीन, ये फॉर्मूला लिखना फिर लाजमी, ठीक है, मीन इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ, ये पूरा लिखना है, एक्स प्री। प्रोडक्ट ऑफ मीन का मतलब है कि अंदर वालों का प्रोडक्ट ले लेना, मीन 13x 10 का प्रोडक्ट ले लेना है 1 के साथ, और इक्वल दरमियान में डालेंगे, और एक्सट्रीम का मतलब है बाहर वाली दोनों, उन दोनों का भी प्रोडक्ट ले लेना है। मल्टीप्लाई करके 2 यहाँ डाल दें या 2 शुरू में डाल दें आपकी मर्जी, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। ये मल्टीप्लाई, आप मल्टीप्लाई नाम डाल दो, ब्रैकेट डाल दिए उसका मतलब मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद 1 डालें ना डालें आपका नीचे एक आंसर आ जाएगा, ठीक है। वो आंसर जो भी होगा, 2 4 8 2 10 20, एक्स वाली साइड पे कर लेते हैं, यही सॉल्यूशन कर, और बगैर एक्स के साथ 5x और 10, एक्स चाहिए, 5 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है 10/5, तो एक्स आ गया 2, एक्स 2 आ गया। उन्होंने हमें नंबर्स फाइंड करने को कही थी, एक नंबर था 4x, यानी 4 और x की जगह 2, एक नंबर 8 आ गया, और एक नंबर था, सो आप यहाँ पे लिखेंगे सो नंबर्स आर, ये लास्ट में लिखेंगे, ठीक है। और एक नंबर था 13x, 13 × 2 32 = 26, सो नंबर्स आर 8 and 26। ये आप नीचे स्टेटमेंट बना के लिखोगे, देन आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होगा। यानी मैंने आपको ये दो तरह से बता दिए सॉल्व करना, या तो इनको डिवाइड के फॉर्म में लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई करें तब भी ये स्टेप बनता था यहाँ पर, या डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिख दें तब भी ये स्टेप बनता है, दोनों तरह से आप कर सकते हो, ठीक है, दोनों एक ही बात है। क्वेश्चन नंबर 9 भी अब आप लोग खुद ऐसे ही करोगे बिल्कुल, बल्कि क्वेश्चन नंबर 9 मैं खुद करवा देती हूँ। इसे जो क्वेश्चन नंबर 7 करवाया ना, ये तो यहाँ तक बनाना पड़ा, जो क्वेश्चन नंबर 7 के बाद दो क्वेश्चन पहले करवा देती हूँ, बता देती हूँ आपको, बिल्कुल ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 11 देखने पहले, क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसकी दो पार्ट करने, एक पार्ट नंबर 4 करना है, एक पार्ट नंबर 5 करना है। वो बिल्कुल इसी तरह के, उसमें आपने प्रोडक्ट ऑफ मीन लेना है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम लेना है, जैसे एक ही पार्ट लिखा हुआ है, चेंज
मैं एक और बार बता दूँ आपको, ये इक्वल डालना होता था ना, यहाँ प्रपोर्शन डालना है। प्रपोर्शन की भी जो डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन अगर आप निकालो पेज नंबर 51 पे लिखी हुई है, रेशो के बाद वो भी डेफिनेशन करनी है, उसकी डेफिनेशन ये है प्रपोर्शन इज अ स्टेटमेंट। प्रपोर्शन एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसमें दो रेशोज को इक्वल रखा जाता है, जैसे ये एक रेशो, ये एक रेशो, और ये क्या है प्रपोर्शन, इसको इक्वल भी कहते हैं, इक्वल प्रपोर्शन होता है। जिनमें दो रेशियो को इक्वल रखा जाए वो वैल्यू प्रपोर्शन कह देती हूँ, ठीक है। अब ये समझेंगे इक्वल ही लिखा है आप, बिल्कुल वही करेंगे, क्या करेंगे, अंदर वालों को मल्टीप्लाई और बाहर वालों को मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कर लेंगे, कुछ फॉर्मूला ओपन करने पड़ेंगे। मैं चलिए आपको थोड़ा सा करके दिखा दूँ, इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ और इसको मल्टीप्लाई किया एक्स के साथ। अब हमें चाहिए एक्स की वैल्यू, यानी एक्स की चाहिए, सारी वैल्यूज को इधर उठा के ले आते, ठीक है। एक्स ले लाओगे, मैं इसी स्टेप में ले आती हूँ, अपने अगले वाली स्टेप में लाना, यानी नीचे वाली ऊपर और ऊपर वाली नीचे, है ना। ये एक्स की मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये डिवाइड हो रहे तो यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और वो मल्टीप्लाई है वो नीचे वाली डिवाइड, मतलब वो उल्टी हो जाती है, ठीक है। जो इधर होती है अगर उसको हम उठा के इधर लेते हैं वो उल्टी आ जाती है, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो अब देखें कि ये क्यूब वाला फार्मूला है, अगर इसको ओपन में कर लूँ तो ये कटिंग हो सकती है हमारे पास कुछ ना। ये देखो अगर आप लोग, ये क्यूब वाला फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी, यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला है। अगर आपको याद हो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये फार्मूला हम कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई की वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। और अब आप ये देखो कि ये वाली पूरी वैल्यू, ये वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी ना, इसका मतलब है ये ऐसे आ जाएगी, लिखा मल्टीप्लाई, यहाँ सिर्फ एक्स है, ये उठा के है, ये पूरी वैल्यू ये ऊपर वाली साथ कटिंग हो जाएगी, क्योंकि ऊपर लिखी है एक वाली जो है वो एक के साथ बाहर कटिंग कर दी, पीछे का रह गए सिर्फ ये और ये, यानी एक माइनस वाली और एक ये वाली जो पीछे बची थी प्लस वाली एक्स की। समझ आई आपको, यानी इस क्वेश्चन में थोड़ा चेंज था कि वो करना तो हमने वही था, लेकिन उसमें थोड़ी ऊपर ही जब कटिंग हो गई आपके पास तो कटिंग हो गई नीचे आंसर बच गया, यानी सिर्फ ये और आंसर बचा है। और अगर आप इसको कंबाइन करके लिखना चाहो तो पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर आपके एक्स का आंसर, यानी ऐसे ये क्वेश्चन होना थे जो इसका एक पार्ट इसका जो फाइव था एक पार्ट फोर था, एक महीने के बाद ये काम निकाल लेना। अब एक क्वेश्चन रह गया है क्वेश्चन नंबर 9, वो भी आप लोगों ने कर लेना, मैं थोड़ा सा स्टार्ट करवा रही हूँ, वो पार्ट क्या कह रहा है आपको देखिए आप, उन्होंने गिवन दिया हुआ है कि ए रेशो बी जो है वो इक्वल है 7:6 के। अगर ये है तो उसने कहा ये फाइंड करें, अगर आप बुक पे क्वेश्चन देखो ना, 7 क्वेश्चन की बात हो रही है, सॉरी 9, 7b-5a, ठीक है। तो अब अगर ये देखें उसने कहा ये दिया हुआ है और ये फाइंड करना है, जो दिया होता है ना आपको हमेशा उसको यूज करते हैं, यूज कैसे करते हैं, अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ तो कोई हर्ष तो नहीं होगा आपके पास, यानी इसको ओवर की फॉर्म में लिख दिया मैंने। अब इसका मतलब है जो गिवन होता है ना उसको यूज़ करते हैं इस वाले, इसको भी ज़रा मैं जो है ना वो डिवीजन में चेंज कर लेती हूँ। आपको बताई ऊपर होती है और इसका मतलब होता है डिवाइड और ये वैल्यू होती है नीचे। अब इसमें अगर आपने ये यूज़ करना है और इसमें पुट करनी है तो इसमें आपके पास तो ए ओवर बी की वैल्यू है, यहाँ पर तो खाली ए लिखा हुआ है या खाली बी लिखा हुआ है, ओवर की फॉर्म में तो कोई वैल्यू नहीं है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसको ओवर की फॉर्म में बनाना पड़ेगा। हमने क्या करना है, इसके नीचे बी चाहिए ना, देखिए ऊपर ए, हम इस पूरी को बी से डिवाइड कर लेते हैं। आप यहाँ लिखोगे डिवाइडेड बाय बी, तो जब बी से डिवाइड कर देंगे इसको तो ये क्या आ जाएगा, यानी ये ए के नीचे भी बी, इस बी के नीचे भी बी, यानी सबको बी से डिवाइड है, ओवर में इनमें भी, इस बी के नीचे भी बी और यहाँ पर ए के नीचे भी बी। ये आपके पास जो भी ए और बीस डाले हुए थे उनके नीचे में आपने डिवीजन में बी डाल दिया, चाहे तो ब्रैकेट भी डाल दें, ठीक है। अब क्या हुआ, ये बी बी कट गया और ये बी बी भी कट गया, पीछे क्या बचा आपके पास, मैं लिख देती हूँ 3a ओवर b, ये सिर्फ आ गया 5,
सेवन माइनस फाइव ए ओवर बी। अब ये ए ओवर बी का मतलब है सेवन ओवर सिक्स। मैं क्या करूँगी, थ्री इंटू इसकी जगह डाल दूंगी सेवन ओवर सिक्स प्लस फाइव, और सेवन माइनस फाइव सेवन ओवर सिक्स। अब आगे आप इसको सॉल्व करोगे वो मैं आपको भी यहाँ रेज करके करवाती हूँ, ठीक है। ये सारा आपने नोट कर लिया होगा, ये रेज करके ये सॉल्व करके दिखा देती हूँ जरा। ये आया हुआ है सेवन ओवर सिक्स प्लस फाइव, और नीचे वाली वैल्यू है सेवन माइनस फाइव सेवन ओवर सिक्स। ये मल्टीप्लाई आ रहा है, ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई होता है, इसके नीचे कुछ भी नहीं, मतलब वन है। ऊपर वाला जब ऊपर से मल्टीप्लाई होगा तो ट्वेंटी वन आ जाएगा, और नीचे है सिक्स प्लस फाइव, नीचे बिल्कुल ऐसे सेवन माइनस थर्टी फाइव ओवर सिक्स। अब इन दोनों के ये ऊपर वाला अलग है नीचे वाली अलग चीज़ है, इसका एलसीएम लें, इसको सॉल्व करें, इसका एलसीएम लें, इसको सॉल्व करें, उसको आपस में ऊपर नीचे डिवाइड करें, और आपके पास एक आंसर आ जाएगा। तो जो क्वेश्चन नंबर नाइन है, अगर आप पीछे से इसका आंसर मैच करो तो इसका आंसर जो है वो है 51 और 7। तो ये आपने यहाँ सॉल्व करना है, एलसीएम लेना आपको आता है, वो ले के ऊपर नीचे रख के इसको सॉल्व कर लीजिएगा। जो लास्ट पे इसका आंसर है वो 51 और 7, ठीक है, बुक से पीछे से मैच करो। तो ये बस आपकी एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई है। मैं फिर आपको बता देती हूँ 3.1 की थी मैंने पहली वीडियो मैंने आपको करवाई है, क्वेश्चन नंबर वन का फोर और फाइव पार्ट, क्वेश्चन नंबर फोर और फाइव करवा दिया टोटली। अब जो करवाया हमने क्वेश्चन नंबर सेवन किया, फिर क्वेश्चन नंबर इलेवन के दो पार्ट बनते हैं, और क्वेश्चन नंबर नाइन, ये सारा कुछ स्मार्ट सिलेबस है। टोटल बनते हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ जो है ना वो टोटल क्वेश्चन अगर पार्ट्स वगैरह को मिलाकर किया जाए ना तो फिर बनते हैं, ठीक है, पार्ट्स और ओवरऑल क्वेश्चन को। तो ये आप लोगों ने अब कर लेना है, दो डेफिनेशन हैं रेशो की और प्रोपोर्शन की, और ये बाकी जो है वो क्वेश्चन है। नेक्स्ट इंशाल्लाह 3.1 के बाद हम दूसरी एक्सरसाइज भी करेंगे, तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़।